छिपा बड़ौद उपखंड एवं तहसील मुख्यालय स्थित कस्बा क्षेत्र के आखा खेड़ी और रतनपुरा चौराहे के बीच खाद्य वितरण में देरी से गुस्साए महिला और पुरुष किसानों ने मिलकर जाम लगाया। निर्दलीय छात्र संघ अध्यक्ष प्रतिनिधि रवि मीणा समेत अन्य किसानों ने जानकारी देते हुए बताया कि कल सभी किसानों को खाद्य वितरण के लिए टोकन दिए गए थे, लेकिन दूसरे दिन 1:30 बजे तक भी डीलरों द्वारा खाद्य वितरण नहीं किया गया। कुछ किसान खाद्य की समस्याओं को लेकर रात्रि विश्राम भी छिपा बड़ौद में करते हैं और सुबह 5 बजे से ही किसान डीलरों की दुकानों के बाहर कड़ाके की सर्दी में ठिठुरते हुए लाइने लगा कर खड़े रहते हैं। बहुत से किसान तो रात्रि विश्राम भी खाद की दुकानों के बाहर ही रात भर पड़े रहते हैं। किसानों ने सुबह 5 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक डीलरों के इंतजार करने के बाद स्टेट हाईवे को पत्थर और कंटीली झाड़ियां डालकर जाम लगा दिया, ताकि प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और हमें खाद दिलवाने में हमारी मदद करें। इस दौरान देखते ही देखते सैकड़ों वाहनों की दोनों ओर साइडों में लंबी कतारों में जाम लग गया। सरकारी और निजी बसों के साथ साथ स्कूलों की बसें भी जाम में फंस गईं। इस दौरान छिपा बड़ौद तहसीलदार शंभू दयाल मित्तल, नायब तहसीलदार त्रिलोक चंद शर्मा ने मौके पर पहुंचकर जाम हटाने को लेकर किसानों से समझाइश की, लेकिन किसान नहीं माने और नारेबाजी करते हुए भीड़ और ज्यादा बढ़ गई। बाद में समझाइश करने के बाद पुलिस की सहायता से जाम को हटाया गया और दोनों डीलरों को बुलवाकर खाद्य का वितरण करवाया गया। इस दौरान नायब तहसीलदार त्रिलोक चंद शर्मा ने बताया कि जिन किसानों को 1 दिन पहले खाद्य के टोकन दिए गए थे, उन्हें आज खाद्य वितरण किया जाएगा। बाकी आज पंचायत समिति परिसर क्षेत्र में जिन किसानों को टोकन दिए जा रहे हैं, उन किसानों को कल खाद्य वितरित की जाएगी। रात भर यहाँ की बड़ी बड़ी अबू का फसे वो भी बड़ी बुक के पड़ी है। अच्छा अच्छा सुबह का क्या डीलर से क्या बात हुई खाद वाले से? कल आज आप बोला था कल आप टोकन ले लो और कल तक सुबह काम दे देंगे। सुबह वाला जा काम करते हैं। अभी दुकान में जा सकता हूं। कौन से गांव से आए? नयापुरा से। आज कचरी गांव नहीं है। 15 किलोमीटर। ये आप किसानों की पीड़ा देख सकते हैं। ये किसान भूखे प्यासे हैं। सवेरे 4 बजे से कोई यहाँ पे आया तो कोई रात को यही रुका है। कल पर्ची कटा करके दूर दराज क्षेत्र के गांव में इनके गांवों से आने जाने का इनके कोई आवागमन का साधन नहीं है। इसी को लेकर के आज ये जो इन्होंने जाम लगाया अपनी समस्याओं को लेकर। कौन से गाँव का है? खाद लेने आया। क्या समस्या आ रही है? कारण एक भी ग्राम से से आपने ये जाम क्यों लगाया? ये जाम जब तक लगाऊंगा इनका इनकी जो समस्या है, समस्या के समाधान को लेके इन्होंने जाम लगाया कि जैसे ये जो जाम लगाया जाएगा रोड पे इन्होंने झाड़ पत्ता डाल करके जो आवागमन का जो साधन है ये बाधित कर दिया गया है और ये बाईपास का साधन है। ये सारा छिपा बड़ौद जो बाईपास का है वो यहाँ होके गुजरता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पे पहुँचेंगे और हमारी मांग पूरी करेंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।